पिछोर विधायक पूर्व मंत्री केपी सिंह काजू का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसके विरोध में महिला कांग्रेस की पदाधिकारी महिलाओं ने वीडियो की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। एंकर पिछोर कांग्रेस विधायक पूर्व मंत्री केपी सिंह काजू का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिस पर आज कांग्रेस की पदाधिकारी महिलाओं ने हजारों महिलाओं के साथ जाकर थाने में एसडीओपी को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें महिलाओं का कहना है कि हमारे विधायक केपी सिंह काजू के ऊपर जो भाजपा ने आरोप लगाए हैं एवं वीडियो को तोड़ मरोड़ कर वायरल किया जा रहा है, जिससे हमारे विधायक की छवि धूमिल हो रही है। हम सभी महिलाएं चाहती है कि वीडियो की जांच की जाए एवं ऐसे लोग पर कार्रवाई की जाए जिन्होंने हमारे विधायक के खिलाफ यह षड्यंत्र रचा है। कांग्रेस पिछड़ा वर्ग जिला अध्यक्ष उषा लोधी ने बताया कि हमारे विधायक 30 साल से पिछोर विधानसभा की सेवा कर रहे हैं और वह हमेशा महिलाओं का सम्मान करते हैं। कुछ लोग द्वारा हमारे नेता की छवि धूमिल की जा रही है। इस संबंध में हमारे हजारों महिलाओं के साथ थाने में जाकर ज्ञापन दिया है और मांग की है कि मामले की निष्पक्षता के साथ जांच की जाए एवं दोषियों पर कार्रवाई की जाए। क्या नाम है आपका? आरती त्रिपाठी। आरती जी, आज हजारों की संख्या में महिला थाने पहुंची और उन्होंने ज्ञापन दिया है, क्या है पूरा मामला? हमारे विधायक जी पे जो झूठा आरोप लगाया गया है विपक्ष ने कि विधायक जी ऐसे हैं, पर हमारे विधायक जी 30 साल से विधायक हैं, कोई नए तो है नहीं है। इतने सालों से तो उन्होंने किसी भी महिला की बेइज्जती नहीं की, अब बेइज्जती की बताइए। ये सब झूठे आरोप हैं, वीडियो की जांच की जाए तब सत्य साबित होगा। और विपक्षी महिलाएं जब कहाँ गई थी, जब सही में महिलाओं का जब उन्होंने बोला गया था सुंदर सुंदर महिलाएं महिलाओं के साथ डांस करवाते ये करो, जब कहाँ गई थी सारी महिलाएं? बीजेपी के जो नेता हैं उन्होंने बोला था कि जब सुंदर सुंदर जो महिलाएं होती हैं उनके साथ पंडित लोग डांस करते हैं, ये तो कितने आपत्तिजनक भाषण थे ना। तब तो कोई महिला आगे नहीं आई, कोई कुछ नहीं हुआ, अब कोई भी बात नहीं है, फिर भी हमारे विधायक जी को फंसाया जा रहा है। और जबकि हमारे विधायक जी महिलाओं का सम्मान करते हैं, आज तक उन्होंने न कभी जातिवाद किया है, ना महिलाओं का अपमान किया है, उन्होंने कभी भी किसी भी महिला, ये मेरी इतनी सारी बहनें हैं, बताइए विधायक जी ने कभी किसी के साथ कोई व्यवहार गलत किया है? क्या नाम है आपका? उषा लोधी, जिला अध्यक्ष महिला पिछड़ा वर्ग। अच्छा उषा जी, आज कांग्रेसी महिलाओं ने एकजुट होकर हजारों की संख्या में जो थाने में ज्ञापन दिया है, क्या है पूरा मामला? ये मामला ये है कि हमारे सम्माननीय विधायक जी की छवि को लोग धूमिल करने की कोशिश कर रहे थे, उनके सम्मान में पूरे क्षेत्र की महिलाएं आज मैदान में आई हैं। पिछले 30 साल से चाहे मीडिया देख ले चाहे सरकार देख ले, भले ही 20 साल से सरकार नहीं है, लेकिन माननीय कक्काजू साहब के सानिध्य में महिलाओं को हमेशा उन्होंने बढ़ाया है, चाहे रोजगार हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे राजनीति हो। आज भी उनके पूरे विधानसभा क्षेत्र में चार जो नगर पालिका और जनपद अध्यक्ष हैं वो महिलाएं हैं। पूर्व में भी उन्होंने महिलाओं को अच्छे अच्छे पदों से नवाजा है और हमारे विधायक जी के संबंध में कोई अभद्र टिप्पणी करेगा, हम लोगों के उसमें भी करते हैं, वो भी हमने आवेदन दिया है, हमें भी पर्सनली लोग परेशान करते हैं जाति के होने के चक्कर में। तो अगर कोई हमारे विधायक जी पे कीचड़ उछालने की कोशिश करेगा उसको इस क्षेत्र की महिलाएं बख्शेंगी नहीं, ये हमारा कहना है। सर, आज महिला कांग्रेस के पदाधिकारियों ने तमाम महिलाओं के साथ ज्ञापन सौंपा है, क्या कुछ मामला है? ये आज थाने पर महिला कांग्रेस की नेत्रियां कुछ साथियों के साथ एकत्रित होकर थाने पर आई थी, उन्होंने एक ज्ञापन दिया है। उनका ये कहना है कि वर्तमान में एक वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा है जिसमें वर्तमान विधायक केपी सिंह जी की छवि धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है, उसी तारतम्य में उन्होंने एक ज्ञापन दिया है कि आप उस वीडियो की और उन लोगों की जाँच करें और उन पर वैधानिक कार्रवाई करने का कष्ट करें। एक और आवेदन नेत्री ने दिया है कांग्रेस की नेत्री ने, उसमें क्या? हाँ, उसमें भी उनका ये कहना है कि उनको लेकर व्यक्तिगत रूप से कुछ लोगों ने फेसबुक आईडी पर व्यक्तिगत टिप्पणी की है, तो उसको हम दिखवा लेंगे मामले को और जो भी उसमें विधि संगत आगे वैधानिक कार्रवाई होगी उसको अंजाम दिया जाएगा।